नाम रोज अन्नी मदद दोनों गलत है। ते बाबा जी दे विलखण गल्लां की सी, स्टेज ते किसे दी निंदिया नहीं सी करते। मेरे पिता जी दा कहना सी आप दी गल दसो, इन्हां दीआं गल्लां लोक जानदे है। अज कल तक दा जहेदार कहिंदा तू आ मेरे कोले, ओला मैं नहीं तेनूं मंदा, फिर कल नूं हवारा साहब कहूगा इधर आ मेरे कोले, मैं तेन मनता। जे ग्रंथी माड़ा गुरुद्वारा नहीं ढाया जाता, ग्रंथी नूं बदलिया जाता है। मैं बेनती करा, ये कहते अमृत छको गुरु वाले बनो, इन्होंने सिर वटिया कह दा। जे आर एस एस का बंदा अमृत छकाउंदा है गुरु के नाल जोड़दा है, मैं तो आना आ जान, असीं तां उन्हां नूं नमस्कार करांगे। कहिंदे जी खालिस्तान किदा किते डिमांड है, तो मैं कहना इह कल्ले दी डिमांड है, सारे पंथ दी, सारी कौम दी, देशां विदेशां च बैठे सारे दी आ। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र हजूरी विच विराजमान साडे बहुत ही सत्कारयोग हरिमंदर साहिब श्री अमृतसर साहिब दे हेड ग्रंथी साहब महान शख्सियतां नेंग संग जथेबंदियां संत महापुरश अलग अलग पार्टियां दे दर्जा बदर्जा उदेदार सारे कोने कोने तो आई साध संग जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कई बंदे सोच रहे होंगे भी नौजवान बैठा ओदी गल नहीं कीती ते ओदी गल तां करन वास्ते खड़ा होया, उसे दी गलबात करन वास्ते खड़ा होया। मैं क्योंकि समा बहुत हो गया, गल्लां बहुत है सांझियां गल्लां जिन्हां दी अज जरूरत है वह गल्लां भी करनगियां। बाबा जी का जन्म 1912 विच सत्कारयोग बाबा हरनाम सिंह दे ग्रह विखे माता आनंद कौर दी कुखों रोडे पिंड विच होया सी। छोटी उम्र दे विच उन्हां ने अमृतपान कर लिया, बाणी पढ़न लग पे, सिमरन भजन नाल जुड़ गए, जथेबंदी पिंड रोडे च बनाई। उहदे जथेदार संत बाबा कृपाल सिंह जी उन्होंने बापू जी ने नियुक्त किया। सन 47 दे विच जो सरपंची की प्रक्रिया शुरू हुई अंग्रेजा तो मगरों, पहले सरपंच सत्कार जो बापू जोगिंदर सिंह जी बने। सारे पिंड ने कूकियां दे गुरुद्वारे कट्ठे होके क्या इन्हां दे मगर सारे पिंड का बहुत हिस्सा उगत गया। उस तो मगरों उन्होंने अलग अलग मोर्चिया दे विच श्रोमणी अकाली दल का कोई मोर्चा लगता सी, बाके पुराने तो टांगा आउंदा सी, किथे जाना जथेदार जोगिंदर सिंह दे घरे उन्हूं फड़न जाना है, ते आके चार पंज बंदे कट्ठे करने कशहरा लाकना बनना ते ग्रंथ लै लेना नाल। हुण साड़िओ दसो किन्ना क लंबा प्रोग्राम है उहो जिहा ग्रंथ लै लईए। ते कोई लालच नहीं सी कि मैनू उदा चाहीदा, सारी जिंदगी समर्पित रहा। और आखरी विच जदों डावा डोर हो गई पंथ दी स्थिति 84 तो मगरों लौंगोवाल साहब तलवंडी साहब उन्हां ने लिख के दित्तियां चिट्ठियां जी दा रिकॉर्ड है कि बाबा जी इस बेड़े नूं बन्ने लाओ। बापू जी ने सोचिया कि मैं नहीं प्रधान बनना, सानू घरे सारे पुत्रां नूं बुलाया, कहन लगे मैं आप तां नहीं बनना पर मेरा इरादा किसे होर नूं बनाउण दा। जदों के भाई जगजीत सिंह भी सी गए सिंह साहब जेल विच भी सी गए, उह कहिंदे मैं कहना सिमरनजीत सिंह मान नूं बना दियां। असीं कहा ठीक है बनाता, उह जेल विच सी,
12,000 पिंड सरदार अमृतपाल सिंह जी 12,000 पिंड से उदो 12,000 पिंडा दे मते पवाए सिमरन चीन ते पख विच मते लिखे के पंड बन के लेके गए दिल्ली ते सारिया पिंडा च गेड़ा दिता अमृत संचार कीता ते बाबा जी दे विलखण गल्लां की सी स्टेज ते किसे दी निंदिया नहीं सी करदे सारे सुन लो सानू साडी आदत सी मेरे साथियों दी कुछ ना कुछ बोल जांदे मेरे पिता जी का कहना सी आप दी गल दसो इन्हां दीआं गल्लां लोग जानदे है क्यों टाइम खराब करदे है तुसी की कौम लई करना है की कर रहे है तुसी ओ दसो असीं उन्हां दी सोच ते चल के कदे भी बाबा जी ते अज तक किसी ने उंगली नहीं ठाई ते कौम दी आजादी ते खालिस्तान दी गल भी कीती मुक्तसर दी स्टेज ते शरेआम किया के खालिस्तान दी मंग नूं दुनिया दी कोई ताकत रोक नहीं सकती अज नहीं कल कल नहीं परसों ना इन्हां दा प्रोग्राम है ना संत पिंडरिया वालिआं दा बाबे नानक दा प्रोग्राम है अरदास नहीं करते अरदास ऐवें करते है राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई मैं सारे कंट्रियां जो जाया उसे तुहाडी बाणी तुहाडे लंगर दी मर्यादा पहुंच के सारे मुल्कां च गोरे मन रहे है तुहानू फॉरन कंट्रियां दे लोग तुहानू मन रहे है वो गुरु दी कृपा हो जानी है तो एक मैं बेनती करा लीडरशिप नूं ते सारिआं नूं अन्ना विरोध ते अन्नी मदद दोनों गलत है अन्ना विरोध अन्नी मदद बगैर तत्थां तों विरोध करी जाना बगैर किसी शख्सियत तों ओदी मदद करी जानी भला खूह सिर देवे कोई ये अपने च घाट है ते मेरे पिता जी मैनू कहंदे चरण सिंह चल मेरे नाल इन्हां लीडरां दे घरे चल गया कट्ठे हो के हुण मैं बेनती करदा जेलां दे अंदर बंद बैठा मुंडा है और सरकार दीआं नीतियां नूं समझो उन्हां ने दरबार ढाया ओह बन गया उन्हां ने सोचिया इन्हां दी जिहड़ी सुपरमेसी है ओह अकाल तख्त दा जथेदार ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ਼ ਨਹਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹੂਗਾ ਇੱਧਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ पंथ का नुकसान हो रहा बहुत ज्यादा जे ग्रंथी माड़ा गुरुद्वारा नहीं ढाया जाता ग्रंथी बदलिया जाता है आप सोच समझ के सारे गल्ला करो हुण गल कर लिया नौजवान की अजूबा सिटी दे विच नगर कीर्तन हुंदा वार्ड दे विच पहले नंबर ते लखां बंदे उत्थे जांदे है हर स्टेज ते स्क्रीन ते उत्थे इन्हां दी फोटो दिखाई है ते लेक्चर कीता है लखां बंदा सुन सुन के जकारा छड़दा सी मैं बेनती करा ये कहंदे अमृत छको गुरु वाले बनो इन्हां ने सिर वटिया किसे दा ओ पापियो जिहड़ा तुसीं प्रापागंडा करदे आ ये सिर वटदा फिरदा तुहानूं क्यों थोड़ी जान निकलती है ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਭਜਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਉਹ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ
जे होर गल नहीं मननी होती यही मन लो, जे आरएसएस दा बंदा अमृत छकाउंदा है गुरु दे नाल जोड़दा है, मैं तो आना आ जान असि तो उन्होंने नमस्कार करांगे। जेड़ा बंदा अगे वधदा है आरएसएस दा टप्पा ला दियो। बेनती करा सारे झारुआं नूं जेल विच बैठिया दियां मुजरां झाड़ रहे है, राजू होना हवाला साहब मेरा सारे नवा रहा, उन्हां नूं किहड़ा तरीके नाल वखरा कर रहे है, किहड़ा तरीके नाल समझण दी लोड़ है। अज जे आपां उन्हां नूं छड़ाउणा है कट्ठे हो जाओ, सांझा मता सांझा मुद्दा आपां कहिंदे आ इह सेरा लै जू, ओ सेरा तां होया वेले आपां नूं मिल गया, हुण बार बार सेरा लई जाणे आ, ओ सेरा तां सारी कौम नूं मिलू। आपां जे कोई बंदा मदद करदा ओनू कहिंदा नहीं इह तां ऐं करदे रहे, ओ जिहड़ा वी मदद करदा सारे इकट्ठे हो के उन्हां नूं बाहर लियाओ तां कौम तुरूगी, ते नहीं तां अगला कहिंदा उन्हां नूं कोई सार नहीं लैंदा। इस करके अमृतपाल सिंह जी इहो जिहा